पॉइंट इज कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी बुकिश लैंग्वेज मिल जाएगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। मैंने भी यहाँ पे एक अपनी लैंग्वेज में एक डेफिनेशन लिख करके रखी हुई है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी सर्विस को, प्रोडक्ट को, अपने किसी बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, अब डिजिटल जो इसमें वर्ड है डिजिटल, इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे प्रमोट करोगे, डिजिटल डिवाइसेस में, लाइक लैपटॉप में, मोबाइल में, सिस्टम्स में। हम उन यूजर्स को टारगेट करना चाहते हैं जो कहाँ पे है, ऑनलाइन अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो उनको हमें टारगेट करने के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप उनको इंस्टाग्राम पे, जो सोशल आजकल, अगर हमारा टारगेट यूथ है तो हमारा जो यूथ है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगा। तो हम ट्राई करते हैं कि हम अपने बिजनेस को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो कहाँ पे करेंगे, हम उनको करेंगे ऑनलाइन, सोशल जो नेटवर्क्स है वहां पे। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, क्यों आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग इतना जरूरी है, क्यों आप पैम्पलेट्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप अपने बोर्ड्स नहीं लगाना चाहते हो, तो उसका भी रीजन है कि देखिए, अगर हम अगर पैम्पलेट लगाते हैं या हम कहीं बोर्ड लगाते हैं तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली उस चीज को कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर हम अगर एक बोर्ड भी बनाते हैं तो हमें कॉस्ट तो उसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, भले उसमें रिजल्ट आए चाहे ना आए। ठीक है, बट अगर वही हम डिजिटल मार्केटिंग में देखें तो सबसे पहली चीज कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, कैसे, अगर मुझे कोई काम करना है, मुझे अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई कॉलेज ओपन किया है। ठीक है, अब ये कॉलेज जो है इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, बट लोगों के बीच में चीज की डिमांड है, यानी हमें कैसे पता चलेगा। अब मैं बोलूं कि मैं एक बड़ा सा होर्डिंग बनाऊं जिसमें कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपए खर्च करूं और उसके बाद में मुझे रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, वहीं अगर मैं एक छोटा सा कैंपेन चलाऊं लोगों के बीच में, जैसे मैंने फेसबुक पे कोई कैंपेन चलाया है। ठीक है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगी, मैं एक दिन का कैंपेन चला करके देखूंगी, अगर एक दिन में मैं 200 या 300 भी इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ में इंस्टेंट फीडबैक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक दिन चलाती हूँ अपना कैंपेन तो मेरे को रिजल्ट भी पता चल जाएगा, इंस्टेंट फीडबैक मिल जाएगा, ऊपर से मेरा टाइम बच जाएगा। कैसे, अगर मेरा टारगेट कोई एक पर्टिकुलर सिटी है, जैसे दिल्ली, दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है, अगर मेरा दिल्ली टारगेट है, पूरा दिल्ली, ठीक है, तो अगर मैं एक एक जगह पे अपना पैम्पलेट बटवाऊंगी या होर्डिंग्स लगवाऊंगी तो मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा, ऊपर से मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, बट मैं अगर एक स्टार्टअप हूँ तो मेरे लिए इतना इन्वेस्ट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये टाइम आपका सेव करता है। ठीक है, इफेक्टिव है, लोगों तक पहुंचता है। अगर कोई आप अच्छा सा एक ऐड बनाते हो, वीडियो ऐड, आजकल हम देखते हैं कितने सारे वीडियोस ऐड आते हैं। ठीक है, तो वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, कुछ आप ऐसा बनाते हो जो लोगों को इफेक्ट कर जाए, तो वो आपकी बिजनेस को ऑफ कोर्स इफेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकल करके आएगा। ऊपर से जब हम ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं या ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये होता है कि आपको ये नहीं पता चलता है कि आपने जो वर्क किया है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। बट अगर मैं एक दिन में एनालाइज भी कर लूँ कि मेरा जो काम है, जो मैं कर रही हूँ, जो प्रमोशन है मेरा, वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ होता है। बट अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग में ये चीज़ देखते हैं तो हमें रियल टाइम एनालाइज मिलता है कि हाँ चलो, मैंने जो एड चलाया है, मेरा जो कैंपेन है वो लोगों तक पहुंच रहा है, अगर पहुंच रहा है तो क्या वो उस पर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ये चीज मुझे कहाँ से पता चलेगी, ये मुझे पता चलता है ऑनलाइन मार्केटिंग से। बट ये मेरे लिए ऑफलाइन मार्केटिंग में इम्पॉसिबल होता है। अगर मुझे एज टारगेट करनी है, मुझे कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टारगेट करना है, तो इसके लिए मुझे ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है कि मैं अगर कोई इंजीनियर है उसकी चीज़ अगर डॉक्टर को दिखाऊंगी तो वो किसी काम का नहीं है, बट मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे। वही अगर डॉक्टर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी मेडिसिन होती है, वो अगर मैं एक इंजीनियर को दिखाऊंगी तो वो किस काम का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा बेवजह मुझे अपने पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हम ऑनलाइन मार्केटिंग में फोकस करते हैं। ठीक है, अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, हम इतना सुना है हमें, तो इसका स्कोप क्या है। अगर हम इसका स्कोप देखें, भाई ज़रा यहाँ देखिए, इंडिया में कितने इंटरनेट यूजर्स हैं। ठीक है, ये एक
किसी बंदे ने जिसने भी हो गया एक सर्वे किया है जिसके अकॉर्डिंग आपके पास में 2017 में 450 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे इंडिया में, जो कि 2020 में जाकर के कितने हो जाएंगे 730 मिलियन, और अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो 829 मिलियन। जब सारे यूजर्स आपके ऑनलाइन चले गए हैं तो आप अगर अपना मार्केट ऑफलाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हम अल्टीमेटली अपनी मार्केटिंग कहाँ करते हैं? ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, देखिए हमें ये तो पता है कि ऑनलाइन यूजर्स बहुत हैं, ठीक है, बट क्या डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स है? अगर कोई पर्सन डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो क्या डिजिटल मार्केटिंग में जॉब अवेलेबल है? तो आइए हम गूगल पे सर्च करते हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग में जॉब है। जॉब की ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है। अगर हम सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, naukri.com। अगर मैं naukri.com पर देखती हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में कितनी जॉब्स है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। लेट्स सी कि डिजिटल मार्केटिंग में जैसे मैंने सर्च किया दिल्ली, अगर हम देखेंगे दिल्ली में कितनी जॉब्स है तो लेट्स सी मैंने सर्च किया। जैसे ही मैंने सर्च किया ज़रा यहाँ पे देखिए आपको नंबर्स मिल रहे होंगे। देखिए 4,934 डिजिटल मार्केटिंग में जॉब है ओनली दिल्ली में, ठीक है। तो इतनी सारी सिटीज है, सब में डिजिटल मार्केटिंग की जॉब नो डाउट होगी। अब इतनी जॉब्स क्यों अवेलेबल है, ठीक है? अब देखिए अगर मुझे कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाती हूँ और मुझे सर्च करना है, लाइक मेरे को जानना है कि भाई आजकल न्यूज़ में क्या आ रहा है, तो मैं न्यूज़पेपर थोड़ी ना उठा करके देखती हूँ। हम क्या करते हैं और नॉर्मली जैसे मुझे जानना है कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है आज की, तो मैंने क्या किया गूगल पे सर्च किया। अब मैं यहाँ पे जाकर के अपनी न्यूज़ देख लूँगी, बट क्या मैं वहीं पेपर उठाऊँगी? नहीं, मैं यार अगर एक ऑफिस में बैठी हुई तो कहाँ मैं पेपर ढूंढने के लिए जाऊँगी? तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे। अगर मुझे किसी बिजनेस के बारे में ही पता करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जानना है कि भोपाल में जो एक सिटी है यहाँ पे कितने डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग्स है, ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे डालती हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, इन भोपाल, जैसे मैं यहाँ पे डालती हूँ, देखिए अब मैंने क्या किया। अब अगर मैं भोपाल में जाकर के एक एक सिटी एक एक जगह पे पता करूँगी तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। मच बेटर मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आऊँगी और मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि चलो देखिए यहाँ पे इतनी सारी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग क्लासेस है, तो मैं कहाँ यहाँ पर जाकर के इनके रिव्यूज़ पढ़ूंगी, रेटिंग्स पढ़ूंगी, कॉल करूँगी, मुझे ऑनलाइन सारे नंबर्स मिल रहे, सब कुछ मिल रहा, तो मैं क्यों जाकर के विजिट करूँ, ठीक है? मैं अपनी सारी चीज़ें कहाँ ऑनलाइन ही पता करना चाहूंगी, ठीक। इसीलिए हर एक बिजनेस, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो गूगल ही क्यों ना हो, कई बार हम गूगल के एड्स देखते हैं, अगर हम फेसबुक उठाए तो वहां पे हमको एड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डालू जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया एनालिटिक्स टूल्स, ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या आता है। देखो यहाँ पे जोहो का ऐड चल रहा है, जोहो एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, बट स्टिल उसको अपने ऐड चलाने पड़ने। ये जो एड्स होते हैं ये ऐसे ही नहीं चल जाते हैं, ये एडवर्ड से चलते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, ठीक है। तो विदाउट डिजिटल मार्केटिंग नाउ डेज आप कोई भी मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करना ही होगा।